मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम चर्चा करेंगे बीकॉम पार्ट सेकंड में राजस्थान में आर्थिक पर्यावरण ईएएफएम फर्स्ट का विषय। इसके अंतर्गत मेरे पिछले व्याख्यान में मैं आपको बता रहा था राजस्थान में पंचायती राज, उसी को आज आगे बढ़ाते हुए राजस्थान में पंचायती राज के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। राजस्थान, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि देश में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था को लागू करने में अग्रणी राज्य रहा है। देश में पंचायती राज व्यवस्था का प्रादुर्भाव ही नागौर जिले, राजस्थान के नागौर जिले से 2 अक्टूबर 1959 को देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया। 24 अप्रैल 1993 को भारतीय पंचायती राज इतिहास में ऐतिहासिक दिन रहा है, जब पंचायती राज संस्थाओं को प्रशासन के तृतीय स्तर के रूप में संवैधानिक दर्जा प्रदान कर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को पूर्ण करने के उद्देश्य से ग्राम पंचायतों को स्वायत्त इकाई के रूप में स्थापित करने हेतु पर्याप्त शक्तियां एवं अधिकार प्रदान किए गए। पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था इस प्रकार से है। देखिए, ग्राम पंचायत प्रथम स्तर पर निर्वाचित निकाय है और लोकतंत्र की बुनियादी इकाई, जो विशिष्ट उत्तरदायित्वों के साथ स्थानीय सरकार है। ग्राम सभा ग्राम के संपूर्ण नागरिकों की सामान्य सभा है। इसी तरह से पंचायत समिति एक स्थानीय निकाय है, यह ग्राम पंचायत एवं जिला परिषद के बीच की कड़ी है। जिला परिषद ग्रामीण आबादी के लिए आवश्यक सेवाएं एवं सुविधाएं प्रदान करने के लिए जिला स्तर पर एक स्थानीय निकाय है। पंचायती राज विभाग के मूल कार्य इस प्रकार से हैं। पंचायती राज संस्थाओं में 73वें संवैधानिक संशोधन की मूल भावना के अनुसार विकेंद्रीकरण की व्यवस्था को सुनिश्चित करना, पीसा नियमों का प्रभावी क्रियान्वयन, पंचायती राज संस्थाओं में कार्मिकों की भर्ती सहित सभी प्रशासनिक संस्थापन कार्य, पंचायती राज संस्थाओं में संगठन क्षमता का निर्माण, निर्वाचित प्रतिनिधियों की पेशेवर क्षमता, विशेषतः निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधियों एवं कार्मिकों की संगठनात्मक क्षमता का संवर्धन करना ताकि वे अपनी भूमिकाओं का प्रभावी रूप से निर्वहन कर सकें, उपलब्ध विभिन्न संसाधनों और अनेक योजनाओं के समन्वयन में बेहतर परिणामों की प्राप्ति के लिए पंचायती राज संस्थाओं और जिला आयोजन समिति के माध्यम से एकीकृत विकेंद्रीकृत सहभागितापूर्ण आयोजना निर्माण की व्यवस्था स्थापित करना, सामाजिक अंकेक्षण के लिए ग्राम सभाओं को मजबूत बनाना ताकि पंचायती राज संस्थाओं की पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके। इसी तरह से पंचायती राज संस्थाओं द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीबों के जीवन से सीधी जुड़ी विभिन्न योजनाओं, जैसे 14वां वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग, 5वां पंचायती राज संस्थाओं के लिए निर्बंध राशि के अनुदान राशि सहित राज्य एवं केंद्र द्वारा संचालित विभिन्न फ्लैगशिप कार्यक्रमों जैसे स्वच्छ भारत अभियान की निगरानी एवं प्रभावी क्रियान्वयन द्वारा समावेशी विकास सुनिश्चित करना, पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से क्षेत्रीय पिछड़ेपन को कम करना, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए क्रियात्मक व्यवस्था के साथ समयबद्ध तरीके से सभी को स्वच्छता और स्वच्छ पर्यावरण सुविधा उपलब्ध कराना, सभी घरों सरकारी स्कूलों एवं आंगनबाड़ी केंद्रों में कार्यशील शौचालय एवं मूत्रालय की समुचित व्यवस्था कर सभी परिवारों के उपयोग हेतु योग्य बनाना, पंचायतों को ई इनेबलमेंट के माध्यम से अपने कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही हेतु सहयोग प्रदान करना। इस तरह से ये पंचायती राज विभाग के महत्वपूर्ण कार्य मैंने आपको बताए हैं। पंचायती राज का आलोचनात्मक मूल्यांकन हमें करना है। देश में पंचायती राज के द्वारा कई उपलब्धियां हमने हासिल की है, उनमें जैसे नंबर 1 है समझ का विकास। समझ का विकास, डेवलपमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, पंचायती राज संस्थाओं से गांव में राजनीतिक व प्रशासनिक संस्थाओं के बारे में समझ का विकास हुआ है, जिसके कारण ग्रामवासी इन संस्थाओं में सक्रिय सहभागिता के लिए आकर्षित हुए हैं। अधिकारों के प्रति चेतना, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया में व्यक्तियों के बीच जनतांत्रिक मूल्यों के विकास से अधिकारों के प्रति चेतना बढ़ी है। मताधिकार चेतना इसी सामान्य चेतना का विशिष्ट स्वरूप है। गाँवों में भौतिक विकास, पंचायती राज व्यवस्था को न केवल ग्रामवासियों के मानसिक विकास में योगदान दिया है
बल्कि गांवों के भौतिक विकास में भी कारगर भूमिका निभाई है, जिससे गाँव में परिवहन, सिंचाई, पेयजल, शिक्षा एवं चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार हुआ है। इससे सामान्य ग्रामवासी के जीवन स्तर में आंशिक सुधार भी आया है। एजुकेशन, पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से शिक्षण संस्थाओं की शुरुआत ने साक्षरता का प्रतिशत ही नहीं बढ़ाया बल्कि गांव के व्यक्तियों के विचारों व मूल्य में परिवर्तन करने के लिए भी कार्य किया है। सामाजिक बुराइयों का समापन, पंचायती राज व्यवस्था के लागू होने के बाद गाँव में सामाजिक बुराइयों के समापन के लिए भी एक वातावरण तैयार हुआ, जिसके अंतर्गत मृत्यु भोज, छुआछूत, बाल विवाह, दहेज प्रथा तथा महिला अत्याचार जैसी सामाजिक समस्याओं के समाधान की दिशा में कार्य किया गया है। पंचायती राज के कारण अब गांवों की अवहेलना करना आसान कार्य नहीं रह गया है। गांवों के पिछड़े वर्ग में चेतना आई है। गांवों की स्त्रियां भी राजनीतिक कार्यकलापों में भाग लेने लगी है। गांवों का जागरण राज्य स्तर की राजनीति पर दबाव डालने में सक्षम हुआ है। जातिगत, धर्मगत और अन्य प्रकार के हित स्थानीय दबाव समूह के रूप में प्रकट होने लगे हैं। दबाव समूह की राजनीति अब नगरों की बपोती नहीं रह गई है। ग्रामीण जनता को अपने अधिकारों और उत्तरदायित्व के विषय में नई जानकारियां मिली है। पंचायती राज नई नई मांगों को जन्म देकर गांवों को आगे बढ़ा रहा है। गांव वालों में आत्मविश्वास की भावना जागृत हुई है और उनमें स्थिति सुधारने के लिए भाग्य भरोसे में बैठकर कुछ कर गुजरने की प्रवृत्ति पनपी है। पंचायती राज के फलस्वरूप एक महत्वपूर्ण तथ्य यह सामने आया है कि ग्रामीणों के मस्तिष्क से अधिकारियों का भय जाता रहा है। अंग्रेजी शासन के युग में ग्रामीण नौकरशाही की शक्ति से आतंकित थे, अब ग्रामीण जन प्रशासनिक अधिकारियों के पास जाकर विश्वास के साथ उनसे अपनी समस्याओं पर बातचीत कर सकते हैं। थैंक यू।